हाँ भाई, क्या हाल है? चलिए, सब बुलंदी जो है जैसा है उसी में खुश रहिए, खुश रखने की आदत रखिए, सब अच्छा ही होगा। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 8। तो इस वाले पार्ट में हम लोग जो स्पेशली जो हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट, वो आपका कॉन्सेप्ट होगा ट्रेंस एंड प्लेटफॉर्म्स वाले। इसमें कितने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जस्ट विजुअलाइजेशन। यहाँ से आपको विजुअलाइज कर लिए सिनारियो का, अलग अलग 5 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार आप विजुअलाइज कर लिए तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जस्ट स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी यहाँ से नहीं बनाए जा सकते हैं, बट आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए। विजुअलाइज करके हम एक एक चीज़ को देखेंगे। तो यदि आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाए। और यदि आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़रूर कीजिए। आई नो आप लोगों में से बहुत लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है इसको इग्नोर कर रहे हैं, बट लाइक कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है, अच्छा फील होता है इससे। और यदि आप IG ट्यूटोरियल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोन पे और एक पेटीएम, दोनों सेम नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। जो भी जितना भी यदि आप दिल से चाहते हैं सपोर्ट करना, तो कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग आज के सेशन में टोटल 5 टाइप्स देखने वाले हैं, बहुत इजी इजी सिंपल टाइप से। पहला है ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, स्टैंडिंग मैल मैन और माइलस्टोन। यानी कि कोई भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी खड़े हुए आदमी को या किसी माइलस्टोन को जब क्रॉस करता है, और उस केस में आपको कोई लेंथ नहीं दिया जाता है, खड़े हुए आदमी का लेंथ इग्नोर मार के चला जाता है, ठीक है। दूसरा है कि ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। तीसरा है कि ट्रेन जो है किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई आदमी है, किसी चलते हुए आदमी को या इधर सेम डायरेक्शन में या आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है। चौथा टाइप है दो ट्रेन्स जो है आपस में क्रॉस करते हैं, उसके लिए भी लेंथ वाला चीज़ आता है कि इसमें लेंथ निकाला जाता है कि इस ट्रेन का लेंथ कितना है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, स्पीड कितना है, इस ढंग से। और आपका पाँचवा है ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन, मतलब कि एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन में बैठे हुए किसी दूसरे आदमी को जब उसको पार करता है, उस टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस 5ों टाइप्स पे हम लोग अलग अलग करके हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट को देखेंगे पहले, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग का पहला टाइप है ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल, स्टैंडिंग मैल और माइलस्टोन। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को जब एक ट्रेन क्रॉस करता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ आप निग्लिजिबल कर लेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ही, लेकिन जनरली जो है आपके क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, ये आपको नेग्लेक्ट करके चलना पड़ता है। तो जब कोई एक ट्रेन है किसी आदमी को या पोल को या कोई माइलस्टोन को क्रॉस करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि ये ट्रेन यहाँ पे आया, ठीक है, जस्ट आदमी उसके सामने सामने है। तो यहाँ से वो ट्रेन जब तक इस आदमी के, मतलब कि ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा आदमी के पास आ जाएगा, तब तक वो ट्रेन जो है उसको ट्रैवल नहीं करेगा। तो इसको विजुलाइज कराने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रेन को थोड़ा सा चलाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी ट्रेन है, अब ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हो गया, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू होता है और पार कब तक करेगा, जब ट्रेन जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देखिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ट्रेन ने डिस्टेंस कहाँ ट्रैवल किया, यहाँ पे ट्रेन था इतना डिस्टेंस, यानी कि ए वाला डिस्टेंस जो है ट्रेन ने ट्रैवल किया। तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जो ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का जो आपका लेंथ जितना है उतना ही डिस्टेंस तो इस केस में ट्रैवल किया है, इतना ही डिस्टेंस, यानी कि ए से बी तक ट्रैवल किया है, तो वो आदमी को पार कर लिया है। यानी कि इस वाले केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। यदि यहीं पे आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता, क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता कि मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बनाता हूँ, एक ट्रेन का लेंथ 150 मीटर दिया गया है और ट्रेन का जो स्पीड है
15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से है। तो अब आपको पूछ रहा है कि कितना देर टाइम लगेगा ताकि वो आदमी को पूरा पूरा क्रॉस कर ले, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल है 150 मीटर का, और चूंकि ट्रेन का स्पीड क्या है 15 का, यानी कि 10 सेकेंड में उस आदमी को वो ट्रेन पार कर लेगी। तो अब आपको एक चीज़ सिनेरियो समझ में आ गया कि ओवरऑल एक आदमी को यानी कि एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट को विथ नो लेंथ क्रॉस करने में ट्रेन कितना ट्रेवल करता है, जितना ट्रेन का लेंथ रहता है। सेकेंड टाइप है आपको यहाँ पे कि ए वाला चीज जो है आपका ट्रेन है, चलिए, और ए वाला चीज आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो अब आपको बोल रहा है कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगा, तो आपका मेन आपके पास क्या होना चाहिए कि वो ओवरऑल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन ए बी यहाँ पे है पहले, और जस्ट दोनों का मुंह यदि मिलता है जहां से स्टार्ट होता है प्लेटफॉर्म के, जस्ट एंटर करता है उसी समय से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तो देखिए ट्रेन कितना देर ट्रेवल करता है, ट्रेन देखिए ए पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है, ट्रेन आते आते ऐसे चलेगा, ट्रेन चलेगा, फिर आते आते जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा यानी कि प्लेटफॉर्म के एंड बिंदु पे जैसे ही आएगा, ट्रेन क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगा। अब प्लेटफॉर्म ने कितना दूरी तय किया, देखिए ए से बी इतना डिस्टेंस प्लस बी से इतना डिस्टेंस। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन है, बी सी क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इस केस में कितना होगा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के लेंथ का सम हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बनाऊं कि क्वेश्चन इसी पे बनाऊं कि कितना देर लगेगा क्या, तो मान लेते हैं कि चलिए 150 मीटर का एक ट्रेन है, ठीक है, और ए चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, चलिए इधर ही चल रहा है, प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 300 मीटर का है। अब आपसे पूछेगा कि उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, 30 यानी कि 300 प्लस 150 450 बटे स्पीड कितना है ट्रेन का, 15 यानी कि 30 सेकेंड में उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है पार कर लेगी। तीसरा जो टाइप है वो देखते हैं, तीसरा टाइप आपको क्या बोल रहा है, तीसरा टाइप बोल रहा है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ नो लेंथ, यानी कि यहाँ पे एक आदमी है जिसका कोई लेंथ नहीं है, नेग्लेक्ट करके चलना है। तो मान लीजिए ट्रेन इधर चल रहा है, आदमी भी इधर चल रहा है। दूसरा केस ले लेते हैं कि ट्रेन जो है आपको इधर डायरेक्शन में चल रहा है और आदमी जो है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट का लेंथ कुछ नहीं है, तो आपको तो ये पता है कि टोटल डिस्टेंस जो फर्स्ट वाला टाइप था, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो लेंथ है उतना ही हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले केस में यदि आप देखेंगे तो पहले वाले केस में आपको क्या होगा, पहले वाले केस में यदि आप टाइम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बटा दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट के साथ मोशन है, यानी कि रिलेटिव स्पीड लगाना होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन के स्पीड में से आदमी का स्पीड घटा देना होगा। दूसरे केस में देखा जाए तो टाइम कितना लग जाएगा, ट्रेन का ही टाइम लगेगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन में आपको स्पीड ऑफ मैन जोड़ना पड़ेगा। इस पर एक एग्जाम्पल यदि देख लिया जाए तो एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं, चलिए कि 150 मीटर की एक ट्रेन है, 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और आपका आदमी जो है, आदमी का भी जो स्पीड है ये ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी सेम है 150 मीटर का है, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, आदमी का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले केस में टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल तो 150, रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 15 - 5 = 10 यानी कि 15 सेकेंड का आ जाएगा। दूसरे केस में देखेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा, 150 मीटर लेंथ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 15 + 5 = 20 यानी कि ये आ जाएगा आपको 7.5 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथा टाइप देखते हैं,
चौथा टाइप है टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को यदि दो ट्रेन क्रॉस कर रहे हो तो इसमें भी दो केस बनेंगे क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग होंगे, मोशन में होंगे, तो रिलेटिव स्पीड में दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पहला केस हमने लिया है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए मैंने बोला था कि एक स्पीड को जो है आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रख के देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा क्या हो जाएगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। ये आपका फर्स्ट केस में भी होगा, सेकेंड केस में भी होगा, दोनों केसेस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो दोनों गाड़ी आपस में क्रॉस कर लेगी उतना देर तक होगा। ठीक है, मूविंग है फिर भी, जैसे ही मूविंग है रिलेटिव स्पीड लगा रहे हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आपको स्थिर करके रखना होगा। यदि आप चाहते हैं तो इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करिए, मूव करके लाइएगा, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ए पॉइंट से यहाँ तक गया है तो दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब आप देखिए, यदि इस पर मैं क्वेश्चन आपको दूँ, पहला केस में क्वेश्चन दे देता हूँ चलिए, कि ये 150 मीटर की ए ट्रेन है, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। दूसरा जो ट्रेन है उसका लेंथ मैं कुछ दे देता हूँ चलिए 250 मीटर है, और इसका स्पीड दे देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो इसको क्रॉस करने में टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा दोनों का डिस्टेंस यानी कि लेंथ का सम, यानी कि 250 प्लस 150 400, बटा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 10, यानी कि 40 सेकेंड लग जाएगा यदि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन में यदि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में टाइम कितना लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन के लेंथ का सम होगा यानी कि 400, बटा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 20, यानी कि इसका टाइम कितना हो जाएगा, 20 भी सही है 400, यानी कि 20 सेकेंड करेक्ट आंसर। तो ये भी आपने देख लिया। अब हम लोग के पास लास्ट टाइप है, तो हम लोग का लास्ट टाइप क्या बोल रहा है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन स्टैंडिंग इन अनदर ट्रेन। तो अब दूसरे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मान लीजिए यहां पे यदि आदमी है तो ट्रेन का और आदमी एक ही लाइन में होना चाहिए, तभी तो क्रॉसिंग लाइन निकलेगा। ये चीज आप समझिए, पहले ट्रेन का लेंथ L1 है, दूसरे ट्रेन का लेंथ L2 है। अब आप समझ गए इस चीज को। लेकिन इस आदमी को क्रॉस करने के लिए यदि ए वाली ट्रेन क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और कर दूं, तो देखिए इस आदमी को क्रॉस करने के लिए टाइप वन का क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, तो उसको कितना करना पड़ेगा, जितना जिस जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसका लेंथ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो ट्रेन जो है आपका, जो ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रहा है, जो ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रहा है उतना ही तो टोटल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। इसमें टोटल चार केसेस बनाए जा सकते हैं, तो चलिए पहला केस का ही मैं बात करता हूं, जिक्र करता हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहीं से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहां से पहला क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दो ट्रेन्स हैं, पहला जो है 150 मीटर की है और वो ट्रैवल कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे में एक आदमी बैठा हुआ है लेकिन उस ट्रेन का लेंथ आपको 250 मीटर है, ठीक है, और इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो पहला केस मैं आपको बोलूं कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो टाइम आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना लेगा, आदमी को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस क्या, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसका लेंथ यानी कि 150, बटे चूंकि आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है तो आदमी का भी स्पीड ट्रेन के स्पीड के बराबर हो जाएगा, यानी कि आदमी का स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, 10 यानी कि 15 सेकेंड। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे बनाया जा सकता है कि ट्रेन इधर और जिसमें आदमी बैठा है वो इधर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 150 बटे रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि 15 5 20, यानी कि 7.5 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं आपको बोलूं, दूसरा केस दे दूं, दूसरा केस कहने का मतलब क्या है,
कि देखिए मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि आदमी अब जो है दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ है, यानी कि ए जो 150 मीटर वाला है 15 मीटर पर सेकेंड से, और ए जो आपका 250 मीटर है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन आदमी अब इस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो आदमी और ट्रेन का एक ही लाइन में होना चाहिए। अब देखिए इस पे भी दो तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहला केस में यदि सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही है तो टाइम कितना लगेगा। अब देखिए आदमी दूसरे ट्रेन में है तो उसको क्रॉस कौन कर रहा है, दूसरा वाला जो ए वाला जो ट्रेन है जिसका लेंथ 250 मीटर है, यानी कि अब डिस्टेंस 250 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस 250 बट रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा, अगेन 15 - 5 = 10, यानी कि 25 सेकेंड आ गया। यदि दूसरा केस की बात किया जाए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 250/15/5 = 20, 0-0 कट गया यानी कि 12.5 सेकेंड। तो ये मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बता दिए, ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म या ट्रेन्स और आदमी, ट्रेन्स और ब्रिज, कुछ भी तरह के क्वेश्चन बनाया जाए। तो एक चीज़ मैं आपको नोट में दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नोट में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा उसको आप हमेशा लीजिए लेंथ गिवेन इन द क्वेश्चन। जितना भी लेंथ आपके क्वेश्चन में दिया गया है सारे लेंथ गिवेन इन द क्वेश्चन को क्या करना है, सम कर देना है, यानी कि जितने भी लेंथ आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं सबको ऐड कर दीजिए, आंख बंद करके ऐड कर दीजिए। लेकिन जब आप पहले क्वेश्चन में जो टाइप 5 वाले क्वेश्चन में आएंगे तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे जब आप आदमी को बिठा रहे थे लेकिन इसके पास तो दो लेंथ था, ये 150 मीटर था, ये 250 मीटर था, लेकिन आपने अभी नोट में बताया कि जितना लेंथ दिया है सबको जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लेवर होना पड़ेगा कि देखिए भैया इस केस में आप ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इस आदमी को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही आदमी को क्रॉस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया, जिसमें आपको ये 250 मीटर से कोई मतलब ही नहीं है, इस चीज़ को आप इग्नोर करिए। तो इसका मतलब कि लेंथ एक ही लेंथ दिया है क्वेश्चन में, हालांकि लेंथ दो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले लेंथ को इग्नोर करना है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके याद रखिए, ब्लाइंडली आप इसको याद मत रखिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, हालांकि हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने डिस्कस कर दिया, बट कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती हुई रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा। लाइन के पास खड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल होगा 100 मीटर, टाइम कितना हो जाएगा, 100/30 किलोमीटर पर आवर। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ऊपर मीटर है नीचे किलोमीटर पर आवर है, हम कुछ नहीं करेंगे, चलिए टाइम को आवर में ही लगा लेते हैं। तो 100 मीटर को आप 1/10 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब नीचे वाला भी किलोमीटर पर आवर में आ गया, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 1/300 घंटा आ गया। सारे ऑप्शन सेकेंड में दिए गए हैं तो एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 3600/300 यानी कि 12 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप इसको आप 5/18 से गुना करके इसको आप क्या कर सकते थे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते थे, हालांकि ऐसे भी कन्वर्ट कीजिए ऐसे भी कन्वर्ट कीजिए, दोनों बात सेम ही है, आंसर आपको सेम दे देगा। तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 165 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर लेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म दो लेंथ दिया है, लेंथ को सम कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग टाइप 5 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो टाइम कितना लगेगा, दोनों लेंथ का सम, यानी कि 275 मीटर है लेकिन स्पीड किलोमीटर में, तो मीटर को हम लोग किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 132 है तो 132 किलोमीटर, यानी कि जो टाइम आएगा वो आपका घंटे में आएगा। अब देखिए इसको काटेंगे 11 × 22, 11 × 55, इसको काटेंगे 12 टाइम्स, ये जाएगा आपको 25 × 140 टाइम्स। तो अब देखिए आपके पास क्या बच गए, आपके पास बच गया 1/480 घंटे। 480 घंटे को आप सेकेंड में बदल लीजिए तो 3600 से गुना करना होगा, 1010 गया, 12 × 48, 12 × 36, यानी कि जो
30/4 कितना आ जाएगा 7.5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के ही दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ गिवन सम कर दीजिए, एक ही लेंथ दिया है 150, दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड नीचे क्या हो जाएगा 68 और ए 8, 68 और आर 8 क्या आ जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, रिलेटिव स्पीड 68 - 8 60 आ जाएगा, ऊपर मीटर में है तो इसको किलोमीटर बदलने के लिए आपको 1000 से नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ए टाइम आपको घंटे में आएगा, चूंकि ऑप्शन सेकंड में है तो 3600 से आप कर दीजिए, 5/18 ही कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज कर नहीं रहे, ठीक है। यदि आप ऐसे नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर मीटर में यूनिट है, नीचे आपका है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5 × 18 करके मीटर पर सेकंड कर दीजिए। अब देखिए ये चीज़ कितना आ जाएगा, ए जाएगा 30 टाइम्स, ए जाएगा 2 टाइम्स, ए जाएगा आपको 9 टाइम्स, यानी कि टाइम का वैल्यू कितना आ गया 9 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 59 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगा, चलिए एक ही लेंथ है, टाइम बराबर जो लेंथ गिवेन है 220 मीटर, स्पीड क्या हो जाएगा एक दूसरे की दिशा में विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि रिलेटिव स्पीड 59 - 7 52 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5 ऊपर 18 चल जाएगा। अब इसको देखिए क्या क्या जा सकता है, ओके चलिए कुछ कट पिट रहा है क्या, सॉरी नीचे जो 52 किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि 66 आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर 10, ये नीचे 3, 3 × 18, 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 6 × 12 सेकेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके केवल वन लाइनर आंसर रहते हैं, आराम से सॉल्व होने वाले। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, 2 ट्रेन्स 137 मीटर और 163 मीटर्स इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस, वन एट द रेट ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन दे विल क्लियर ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। यानी कि एक ट्रेन ऐसा है, अगेन एक ट्रेन ऐसा है, एक का लेंथ 137 मीटर, एक का 163 मीटर, ए जा रहा है 42 से, ए आ रही है 48 से, एक दूसरे के सॉरी एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है, तो अब आपका टाइम क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ गिवन इन द क्वेश्चन क्या है 137 और 163 दोनों को जोड़ देना है, 200 और उधर 639, यानी कि 300 आ गया, रिलेटिव स्पीड चूंकि एक दूसरे के दिशा में आ रही है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 90 और ये 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो यानी कि 5 और ऊपर 18 गुना करना पड़ेगा, 18 × 5 = 90, 25 से 300 जाएगा 12 टाइम्स, यानी कि टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 12 सेकेंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स दैट अ गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 9 सेकेंड टू पास हिम। कितना ट्रेन में क्या है बैठा हुआ आदमी, हम केवल एक ही बैठा हुआ आदमी ले लिए, अब एक ट्रेन है, एक बैठा हुआ आदमी ट्रेन में है तो ट्रेन का स्पीड 50 है तो बैठे हुए आदमी का भी स्पीड 50 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन और आदमी इस केस में आ रहा है, टाइम कितना ले रहा है 9 सेकेंड, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ कितना है 280 मीटर, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा 280 / स्पीड, स्पीड रिलेटिव स्पीड होगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ट्रेन का स्पीड पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स, जो आदमी बैठा हुआ है उसका स्पीड 50 है लेकिन स्पीड अभी भी किलोमीटर पर आवर में है, ऊपर जो है आपका ऊपर मीटर में है और टाइम 9 सेकेंड दिया गया है, तो इस 9 को सेकेंड में ले रहे हैं तो 280 नीचे वाले को मीटर पर सेकेंड में, तो यानी कि x प्लस 50 को आपको 5 और ऊपर 18 कर देना होगा। अब देखिए 9 से 18 जाएगा 2 टाइम्स, 280 जाएगा 50 25
तीन पाँच छक्का तीस, यानी कि x प्लस पचास 112 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप एक कंफ्यूज नहीं होइए कि 62 मीटर पर सेकंड तो नहीं होगा, चूंकि आपने जो x लिया है उसको किलोमीटर पर आवर में लिया है, तभी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से गुना किए हैं, तो ये जो यूनिट आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, चलिए एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, तो सेम टाइप के होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो है इसको आप एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है 20-25 सेकेंड का, बट ये इस चीज़ को आप वर्बली कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, बेसिक में भी एक थोड़ा सा एकदम बेसिक नहीं बताऊँगा। पहला अप्रोच देखिए क्या है, एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकेंड में पार कर लेती है। चलिए, तो ये आपका ट्रेन है, ये आपका एक पुल है, ये कितना देर लेती है 15 सेकेंड। चलिए आगे बोला है, वही ट्रेन 100 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म का, यानी कि ये सेम ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में कितना देर ले रही है 25 सेकेंड्स। चलिए अब इतना हो गया। पहला अप्रोच यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे यदि एक चीज़ देखेंगे, जो ट्रेन का स्पीड है, इस केस में भी मान लेते हैं कि स्पीड एस है, तो इस केस में भी स्पीड है, प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है, यानी कि स्पीड दोनों केस में जो है स्पीड आपका क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब कि d1/t2 डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर है। तो पहला केस में डिस्टेंस, यानी कि पहले केस में किसी आदमी को पार कर रहा है या पोल को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेन का लेंथ, और ट्रेन का लेंथ कितना है पता नहीं, यानी कि एल बटे। दूसरे केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, यानी कि एल प्लस 100 बराबर t1/t2 यानी कि 15/25, इसको काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब इधर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5L बराबर 3L प्लस 300, यानी कि 2L का वैल्यू 300 आ गया, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 मीटर्स। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक अप्लाई करना, बट एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि देखिए, पहले केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है जो ट्रेन का लेंथ है, दूसरे केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एल प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो इसका मतलब कि 15 सेकेंड में वो एल दूरी तय कर रहा है, 25 सेकेंड में एल प्लस 100 दूरी तय कर रहा है, यानी कि इस दोनों में जो डिफरेंस है 10 सेकेंड का, तो 10 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करेगा, इसमें से इसको घटाना होगा, 25 सेकेंड में एल प्लस 100, तो 15 सेकेंड में केवल एल है, तो 10 सेकेंड में कितना आ जाएगा 100 मीटर की दूरी तय होगी, यानी कि स्पीड ट्रेन का कितना आ जाएगा 100/10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन का स्पीड कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में देखिए, इतना दूरी कितने देर में ट्रेवल करता है 15 सेकेंड में, यानी कि यदि आपको डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 15 सेकेंड, स्पीड कितना है 10, यानी कि 150 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा दिमाग में कॉमन सेंस की बात है कि दोनों में टाइम डिफरेंस 10 सेकेंड का है, यानी कि 10 सेकेंड में 100 मीटर चलेगी, तो इसका स्पीड आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और एक पोल को एक खंभे को पार करती है 15 सेकेंड में, यानी कि ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा 15 × 10 150 मीटर। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पे खड़ा है, एक आदमी जो है 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पे खड़ा है, चलिए वो, और यहाँ पे एक रेलवे पुल है, इसका लेंथ कितना है 180 मीटर। अब वो बोल रहा है कि वो देखता है कि ट्रेन पूरे पुल को 20 सेकेंड में पार कर लेता है, यानी कि मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल है, तो एल प्लस 180 कितना देर में कर रहा है 20 सेकेंड में पार कर रहा है, और तथा खुद को उसको खुद को ट्रेन कितना देर में क्रॉस करता है 8 सेकेंड में, यानी कि यदि ये आदमी यहाँ पे है,
तो इस वाले केस में डिस्टेंस कितना ट्रेन ट्रेवल करेगा, केवल एल। तो एल को ट्रेवल करने में कितना देर का समय लग रहा है, 8 सेकेंड का। इसका मतलब जो टाइम डिफरेंस है 12 सेकेंड का जो टाइम है वो कितना देर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 180 मीटर का, यानी कि स्पीड कितना हो जाएगा 180 बटे 12 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड का। आपसे पूछा क्या गया है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब आप सीधा ऑप्शन ए को मार्क नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका स्पीड आया है मीटर पर सेकेंड में, सारे यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा 15 को 18 बटे 5 से, तब जाके किलोमीटर पर आवर होगा, 5 से 15 जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 54 किलोमीटर्स पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्सन में भी कभी कभी हम लोग आंसर जो है गलत मार्क कर देते हैं। तो चलिए इससे बेस्ट एक होमवर्क देते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन है वो। तो इस जो होमवर्क है ना, होमवर्क नंबर 2, आप इसको ट्राई कीजिए, जो भी आंसर आया आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। नेक्स्ट सेशन में ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो भी बनेंगे सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो यदि आपको कोई डाउट्स मेरे से पूछना है तो आपको मैं अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको लिंक को क्लिक करके ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, जो भी डाउट्स हो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इन रिटर्न आपसे मैं इतना चाह रहा हूँ तो आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। Thanks for watching this video. Bye bye.